राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, असली भारत गांव में बसता है, और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ बी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल पर पंच परमेश्वर। हमारे साथ लगातार हम आपको लखनऊ के बाराबंकी के और तमाम जनपदों के ऐसी ग्राम सभाओं की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां आप देख करके स्वतः आकलन करते हैं कि आखिर ग्राम सभा में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। हमारा यही प्रयास है पंच परमेश्वर के माध्यम से कि हम आपको ग्राम सभाओं की एग्जैक्ट रिपोर्ट दिखाएं कि आखिर कितना विकास, कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार। हमारा यह प्रयास है कि जो विकास हम आपको दिखाएं, आप उसको देखें और वह देख करके तमाम अन्य ग्राम प्रधान जो लोग हमारे स्क्रीन को देख रहे होंगे, वो भी इस पर विचार करें कि हाँ, हमें भी विकास कार्य करना चाहिए, वो भी कुछ प्रयास करें। पंच परमेश्वर की पूरी टीम ग्राउंड पर जाती है, पूरी खबरों को हम कवरेज करते हैं, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो या रिमझिमाता बादल। हमारा प्रयास रहता है कि हम हकीकत जमीन की दिखाएं आपको कि वास्तव में ग्राम सभाओं में शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं, ग्राम सभाओं में सड़कें बनी हैं कि नहीं बनी हैं, नालियां बनी हैं कि नहीं बनी हैं, और उसके बाद निर्णय आपको लेना होता है कि आखिर जो विकास की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो हकीकत है या फिर शिगुफा। साथियों, इसके पहले हम आपको कई एपिसोड ऐसे भी दिखा चुके हैं जिसमें या तो गांव में कोई काम नहीं हुआ होता है, प्रधान स्वतः बोलते हैं कि हम कोई काम नहीं कर पाए हैं, गांव में विवाद है। बहुत सारे रिपोर्ट हमने आपको ऐसे भी दिखाए हैं जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ग्राम सभा में एक शौचालय नहीं है और गांव पूरा ODF है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट चलती है, इससे भी प्रधानों को शिक्षा लेनी चाहिए। इससे जो विकास कार्य नहीं करते उन प्रधानों पर कार्रवाई हो रही है, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है, और उनको चाहिए कि अपने आप में सुधार लाते हुए देश के विकास के लिए कुछ अच्छा करें। सरकार से बजट मिल रहा है, उसका सदुपयोग करें, अपने ग्राम सभा का विकास करें और उसको खूब चमकाएं, ताकि जो गांधी जी का सपना था एक अच्छा, सुंदर, प्यारा गांव बनाने का, जिस गांव से पूरे देश की कल्पना होती है ऐसा गांव बनाने का, तो आप बना सकते हैं, आपको मेहनत करनी होगी। बाकी अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको कवरेज करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पी न्यूज की पूरी टीम आपके दरवाजे पहुंचती है, तो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी झिझक के आप सहयोग करिए समय का हमारे साथ, अपने ग्राम सभा में पूरा भ्रमण करके कवरेज कराइए, और हम पूरी टीम को साथ लेकर के, हमारी पूरी टीम पूरा कवरेज करेगी और ग्राउंड रिपोर्ट आपको विकास कार्यों की दिखाएगी। आज हम आपको आइए ले चलते हैं, आज हम आपको कुछ और भी ग्राम सभाओं की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्रम वाइज दिखाएंगे अलग अलग जनपदों की, अलग अलग विकास खंडों की, अलग अलग ग्राम सभाओं की। सबसे पहले रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि का इंटरव्यू होगा, आप उसको सुनेंगे और फिर आप बताएंगे कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। ग्राम सभा हिदायतपुर सिपाह विकास खंड निंदूरा जनपद बाराबंकी। ग्राम पंचायत हिदायतपुर सिपाह के ग्राम प्रधान मैकूलाल हैं। ग्राम पंचायत हिदायतपुर सिपाह में जब हमारी टीम
विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंची, तब हमारी मुलाकात पंचायत प्रतिनिधि अकरम खान से हुई। हमने अकरम खान को साथ लेकर के पूरी ग्राम सभा के विकास कार्यों का जायजा लिया। 1850 मतदाताओं वाली इस ग्राम सभा में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पूरी ग्राम सभा में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में बिल्डिंग के मरम्मत का कार्य हुआ है, टाइल्स लगाई गई है, बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है और 2 विद्यालयों में शौचालय के निर्माण कार्य को कराया गया है। 2-3 तालाबों का निर्माण मनरेगा से संपन्न हुआ है और गांव में रास्तों की व्यवस्था के लिए RCC सड़कों का निर्माण हुआ है, इंटरलॉकिंग्स लगाई गई हैं और खड़ंजे बनवाए गए हैं। वर्तमान में ग्राम सभा का पंचायत भवन काफ़ी जर्जर अवस्था में है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि शासन द्वारा बजट आने के बाद पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ग्राम सभा में आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है, जिसके लिए प्रधान ने प्रस्ताव भेजा है। ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका है, जिसका उद्घाटन माननीय ब्लॉक प्रमुख निंदूरा के हाथों संपन्न हो गया है। ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में हमारे कार्यक्रम एंकर संतोष पांडे ने प्रधान प्रतिनिधि अकरम खान से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि अकरम खान ने ग्राम सभा हिदायतपुर सिपाह के विकास कार्यों के बारे में क्या बातें की। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद अकरम खान, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत हिदायतपुर सिपाह, विकास खंड निंदूरा, जिला बाराबंकी। पंचायत का सारा कार्य आप ही देखते हैं, तो आपको पता होगा कि आपके पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं। इसी क्रम में आपके यहाँ शौचालय कितने बने हैं, इसको बताइए। हमारे यहाँ 450 शौचालय लगभग बने हुए हैं और एक सामुदायिक शौचालय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है, उसके तहत एक ग्राम जो है राजवित्त आयोग से सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है। जी, आज ही माननीय ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार शुक्ला जी द्वारा आज ही उसका उद्घाटन किया गया है। जी जी, एक योजना है गवर्नमेंट की मनरेगा, उसके अंतर्गत आपके यहाँ कितने जॉब कार्ड बने हैं और कितने लोग एक्टिव हैं? हमारे यहाँ मनरेगा योजना के तहत लगभग 650 के आसपास जॉब कार्ड बने हुए हैं, जिसमें 150 से 200 लोग लगभग काम करते हैं उसमें। और क्योंकि अभी ये कोरोना समय चल रहा है, लोग प्रवासी लोग काफ़ी बाहर से आए हुए हैं हमारे यहाँ, तो उनके भी नए नाम जो है ऐड किए गए हैं उसमें ग्रामीण रोजगार योजना में। तो इस समय रोड पटाई चल रही है, समतलीकरण के जैसे काम होते हैं या तालाब खुदाई है, तो सबको रोज़गार दिया जा रहा है, काम चल रहे हैं। आपने बताया कोरोना महामारी इस समय पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, तो कोरोना से बचाव के लिए आपने अपने यहाँ क्या उपाय किए? कोरोना से बचाव के लिए प्रथम तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोला गया है और लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ज़रूरी काम के लिए ही बाहर आ रहे हैं। और बाकी नालियां हैं जैसे हमारे यहाँ और वो सब हैं जो घूर गड्ढे टाइप के हैं, वहाँ पे सैनिटाइजेशन वगैरह सब गांव में करवाया गया है, यही सब चल रहा है। आपके यहाँ कितने राशन कार्ड हैं और कितने लोग उससे राशन पा रहे हैं? हमारे यहाँ 100 अंत्योदय कार्ड बना हुआ है, तो 100 लोग अंत्योदय कार्ड का राशन पा रहे हैं, उसे लाभान्वित हो रहे हैं। और पात्र गृहस्थी हमारे यहाँ लगभग 450 कार्ड बने हुए हैं, तो 450 लोग जो हैं उसका राशन पा रहे हैं। जी, समय तो महीने में 2 बार राशन मिलता है? जी जी, महीने में इस समय 2 बार राशन मिल रहा है लोगों को। जी, आवास योजना के अंतर्गत आपकी ग्राम सभा में कितने आवास बनाए गए हैं? आवास हमारे यहाँ लगभग इन हमारे 5 साल के कार्यकाल में लगभग 32-33 आवास बन चुके हैं और करीब 30 नाम जा चुके हैं, ऊपर प्रस्ताव जा चुका है 30 नामों का, जो अभी आना शेष बाकी है। पेंशन योजना के अंतर्गत आपके यहाँ कितने लोग पेंशन पा रहे होंगे? करीब 120 लोग हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन पा रहे हैं। जी, और विधवा लगभग 40-45 लगभग विधवा पेंशन है और विकलांग करीब 15 पेंशन विकलांग है हमारे। जी, लाइट व्यवस्था के लिए आपने अपने यहाँ सोलर या स्ट्रीट लाइट की जो भी व्यवस्था कराई, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
मेरे यहाँ 6 सोलर लाइटें लगी हुई हैं, जो भी देव स्थान हैं या सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पे 6 सोलर लाइट लगी हैं और ग्राम में पंचायत में 32 लाइटें स्ट्रीट लाइट लगवाई गई हैं जी। पौधारोपण के अंतर्गत आपके यहाँ कितने पौधारोपण कराए गए हैं? इस बार हमारे यहाँ लगभग 2000 पौधा वृक्षारोपण करवाया गया है, जिसमें से करीब 400 जो है व्यक्तिगत लाभार्थियों ने भी वृक्षारोपण किया है अपनी। पंचायत द्वारा जो वृक्षारोपण कराए गए हैं उसकी देखरेख की क्या कोई व्यवस्था भी की गई है? उसकी देखरेख वही मनरेगा मजदूर द्वारा उसकी जो है व्यवस्था की गई है, उसको देखरेख की जा रही है। मनरेगा से आपके यहाँ कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? मनरेगा से हमारे यहाँ खड़ंजा लगवाया गया है, खड़ंजा निर्माण हुआ है, मनरेगा जो चकबंद जो होता है खेतों में कनेक्टिविटी के लिए चकबंद निर्माण करवाया गया है, और हाँ तालाब खुदवाए गए हैं मनरेगा से, और कुछ समतलीकरण भी करवाए गए हैं खेतों के। इस पंचवर्षीय को 5 साल पूरा होने वाले हैं, कुछ कार्य ऐसे रहे होंगे जो प्रधान जी का सपना रहा होगा और जिसको पूरा ना कर पाए हों, क्या ऐसा भी कोई कार्य शेष बचा है? जी, हमारे यहाँ एक बारात घर की आवश्यकता थी। हमारे यहाँ करीब 2 गांव पड़ते हैं, हिदायतपुर और अकबरपुर, वहाँ पे बारात रुकने का कोई भी संसाधन नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पे कोई बारात आती है, यदि मौसम ख़राब हो या कुछ हो, तो लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक विद्यालय है, वहाँ पे उनको उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जी, एक बारात घर की वो था कि अकबरपुर हिदायतपुर गाँव के बीच में बन जाता तो काफ़ी लोगों को उससे। तो इसके लिए क्या आप अगले पंचवर्षीय की तैयारी फिर से कर रहे हैं? जी हाँ, प्रयास है अगली पंचवर्षीय का फिर से, और प्रवाल ने चाहा तो हमारा सपना है ये कि एक बारात घर जो है वहाँ पे हो जाएगा, तो लोगों में काफ़ी मदद मिल जाएगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा के विकास कार्यों का जायजा लेते लेते हमारी टीम जनपद लखनऊ के विकास खंड सरोजनी नगर के ग्राम सभा मीरानपुर पिनवट में भी पहुंची। ग्राम सभा मीरानपुर पिनवट में पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान से हुई और उसके बाद हमने उनके साथ पूरी ग्राम सभा का दौरा किया। मीरानपुर पिनवट में लगातार ग्राम प्रधान कई बार से प्रधान पद पर कायम हैं, और अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यह ग्राम सभा नगर निगम लखनऊ से बिल्कुल सटी हुई है, यानी मीरानपुर पिनवट का बॉर्डर लखनऊ नगर निगम है। जब हम कैमरा लखनऊ नगर निगम की तरफ घुमाते हैं तो सड़कों की बदहाल स्थिति, कच्ची गलियां, गंदगी, कूड़ों का अंबार दिखता है, और जब कैमरा हम बाएं घुमाते हैं यानी मीरानपुर पिनवट की तरफ देखते हैं तो अच्छी सड़कें, इंटरलॉकिंग और साफ सुथरी गलियां नजर आती हैं। ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में हमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ग्राम सभा का विकास आपको हमारे कैमरे से ही दिख जाएगा। इंटरलॉकिंग, सड़कों का निर्माण, खड़ंजा लगवाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य, आदर्श तालाब और छठ पूजा स्थल का निर्माण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूल के सौंदर्यीकरण का कार्य, स्कूल में बेंच टेबल आदि की व्यवस्था ग्राम प्रधान द्वारा अच्छे तरीके से की गई है। मीरानपुर पिनवट पूरी तरह से जलजमाव मुक्त गांव है, खुले में शौच से मुक्त गांव है। हालांकि यहां पशुपालन का कार्य काफी अधिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में काफी स्वच्छता दिखती है। हमने ग्राम प्रधान द्वारा सुंदरीकरण कराए गए विद्यालय का भी दौरा किया। आइए विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय के बारे में हुई बातचीत सुनाते हैं, और उसके बाद हम आपको ग्राम प्रधान की बाइट सुनाएंगे कि उन्होंने अपने ग्राम सभा में किस तरह के विकास कार्य किए हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं जो है रेणु यादव, यहाँ की सहायक अध्यापिका, स्कूल का नाम मीरानपुर पिनवट सरोजनी नगर। आपके स्कूल में विकास के किस तरह के कार्य हुए हैं जिससे आप संतुष्ट हैं या जो नहीं हो पाए उसके बारे में? वैसे तो कार्यकल्प के अंतर्गत प्रधान जी ने बहुत ही अच्छा कार्य कराया है, पानी की सुविधा भी हो गई है, टाइल्स भी लग गई है, ब्लैक बोर्ड, हर चीज़ बहुत ही अच्छा कराया है, इसमें कोई कमी नहीं है, सभी कुछ अच्छा ही है यहाँ पे। जैसा कि आज मैं स्कूल में खड़ा हूँ और आज शिक्षक दिवस भी है, तो
तो इसके बारे में दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस राधा सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के उस पर मनाया जाता है, तो ये सभी के लिए है। शिक्षक क्या है, सबसे पहले तो हमारी सबसे पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है, जो कि हमको बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और वैसे शिक्षक का काम ये है कि बच्चों को जो है पढ़ाना, उनके मार्ग को और ही प्रशस्त करना, तो ये शिक्षक का काम होता है, उसको दिल से करना चाहिए। मैडम, जैसा कि आपको स्कूल के देख करके ऐसा लगा कि सौंदर्यीकरण का बहुत अच्छा कार्य हुआ, इसमें कहाँ तक कि कौन लोग सहयोग किए? इसके पीछे तो सभी का हाथ है, प्रधान जी का भी हाथ है, बीओ सर हैं हमारे, डीएम है, डीएम सर हैं, और सीडीओ सर हैं, सभी इन सभी का सहयोग, सचिव हैं हमारे, इन सभी का सहयोग जो है इस विद्यालय में हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रधानाचार्य जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनुपमा श्रीवास्तव हूँ, यहाँ की इंचार्ज टीचर हूँ प्राथमिक विद्यालय मीरानपुर पिनवट की। मैडम, आपके स्कूल में किस तरह के विकास के कार्य हुए? मेरे स्कूल में प्रधान जी द्वारा हर तरीके के विकास कार्य हुए। बाउंड्री वॉल नहीं थी, ये स्कूल बहुत ही जर्जर अवस्था में था। इंटरलॉकिंग व्यवस्था हुई है, हैंड वॉशिंग व्यवस्था, टाइल्स सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, सभी कार्य प्रधान द्वारा हुए, और अब मेरा स्कूल बहुत ही अच्छा हो गया। सारे पेड़, सबसे बड़ी बात, सुरक्षित रहते हैं, अदरवाइज जितने भी पेड़ हम लोग लगाते थे सब जानवर खा जाते थे, तो ये जो वृक्ष लगाओ की योजना चल रही है वो भी हमारी क्रियान्वित हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मैं पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ, 2005 से 10 तक मैं प्रधान रहा हूँ। अभी हमारी पत्नी प्रधान है, तो उनका प्रतिनिधि हूँ अभी, और ग्राम पंचायत मीरानपुर पिनवट की जो व्यवस्था है एज ए प्रतिनिधि मैं देख रहा हूँ। जैसा कि हम नगर निगम को छोड़ करके जैसे ही पंच परमेश्वर के कवरेज के लिए हम ग्रामीण में घुसते हैं, तो एक तरफ नज़र उठा के देखते हैं कि नगर निगम और दूसरी तरफ ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के इस वक्त प्रधान से हम कुछ जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य हुए, जो कि देखा जाता है नगर निगम में बहुत अच्छे कार्य होते हैं, उसी की तुलना में ग्राम पंचायत में किस तरह के कार्य हुए प्रधान? हमने जो देखा है कि हमेशा शहर के ऊपर बहुत चमक दमक रहती है, शहरों को बहुत सुंदर करने की कोशिश सरकारें करती रहती हैं, उसी से काफ़ी हम प्रभावित थे। 2005 में लोगों की चाहत थी, चूंकि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, ना प्रधान बनना चाहता था, मेरी कोई चाहत नहीं थी, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आप अगर आएंगे तो गाँव का कुछ विकास अलग से होगा और गाँव के लोगों के लिए कुछ सोचेंगे, तो मेरी शहरी तरीके से गाँवों का विकास कराने की नीयत से मैंने शुरुआत एक जो की थी, वो तीसरी पंचवर्षीय है। हम लगातार यहाँ ग्राम पंचायत की सेवा में हैं, और हमने नगर क्षेत्र के किसी भी काम की गुणवत्ता से कम तर काम अपने यहाँ पे होना नहीं दिया है, और कोशिश की है कि गाँव को वही रूप दें जो शहरों में नगर निगम में आरसीसी रोड या इंटरलॉक रोड और उनके दोनों तरफ नाली ड्रेन, गाँव का जब तक ड्रेन नहीं होता है, ड्रेन की निकासी नहीं होती, तो गाँव हमेशा गंदे रहते हैं। हमने पूरे गाँव में लगभग कहीं पर भी पानी भरने का कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा, हर जगह पर आप बरसात में कभी भी किसी भी समय जाएंगे तो कहीं भी पानी नहीं भरेगा, तो हमने उस तरह का एक संपूर्ण विकास जो शहरीकृत होता था उसको गांव में किया है, और गांव को हमने नगर निगम की तुलना में अपने लगे हुए बॉर्डर से देख करके हमेशा उससे 20 पाया है, और 20 करने की कोशिश की है, और उसके ऊपर ही हम अभी भी काम में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि खुले में शौच से मुक्त, तो उसको लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे भारत की, हमारे गांव के साथ साथ में हम पूरे संपूर्ण भारत की बात करेंगे, जो खुले में शौच जो जाते थे लोग, उनसे विभिन्न बीमारियां होती थी, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पंच परमेश्वर के जरिए से मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी सार्थक सोच उनकी रही, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को शौच मुक्त गांव बनाने के संकल्प से काम किया था, उसका अनुकरण करते हुए हमने लगभग गांव सभा में पूरे 450 के करीब करीब शौचालय निर्मित हुए होंगे यहां पे। आज हमारा गांव पूरी तरह से शौच, खुले में शौच से मुक्त है, और काफ़ी हद तक बहुत तरह तरह की विभिन्न बीमारियाँ जो होती थी उससे
मुक्त है और स्वच्छता का एक वातावरण है। लोगों को अब आदत सी पड़ चुकी है, बगैर शौचालय के कोई रह नहीं सकता है, तो लोग अब अपने आप भी जो भी मकान बना रहे हैं लोग खुद भी बना ले रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ ऐसी सोच को, ऐसे प्रधानमंत्री को जिन्होंने एक बहुत जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता था उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। तो मैं आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा, उनके पास तक भी एक जाए खबर कि उनके द्वारा किए गए इस कार्य पुनीत कार्य के लिए ग्राम पंचायत की हर वो महिला जो इस शौचालय का उपयोग कर रही है उनको बहुत बहुत साधुवाद देती है। ये एक प्रोजेक्ट और था हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जो गरीब मजदूर थे तो जिनके पास झुग्गी झोपड़ी थी तो उनके लिए आवास योजना चलाई, तो आवास योजना के अंतर्गत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया? प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा एक तो शहरी एरिया होने की वजह से लगभग कोई कच्चा घर उस तरीके का बचा नहीं था। पहले भी हमने जो आवास दिए थे तो वो बहुत पहले एक जो ग्राम विकास के लिए जो आवास आते थे ग्राम आवास योजना में उसमें दिए, कुछ शायद 4 मकान या 5 मकान का पैसा आया था, वो निर्मित भी हो गए हैं, कंप्लीट भी हो गए हैं। एक बगल में शायद ये इनका है जो नाई है जो उनका वहाँ बना हुआ है और 2-3 दरवा खेड़ा में बने हुए हैं, इस तरीके के निर्माण भी हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी सोच है, चलो हमारे यहाँ तो नहीं कच्चे मकान हैं लेकिन अभी भी गांव हमारे बहुत सारे गांव हैं जो बहुत कच्चे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे कई लाख मकान देश के अंदर निर्मित हुए हैं। ये भी एक पुनीत कार्य है सरकार की, उसके लिए बड़ी साधुवाद है। और हमारे यहाँ तो लगभग ठीक है, अभी कोई उस तरह की गरीबी में नहीं है लोग जो कच्चे आवास में रह रहे हों। अगर कोई ऐसा मेरी निगाह में आए, अगर आपकी निगाह में आए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए प्रस्तावित करवाऊँगा उनको। प्रधान जी एक योजना और थी जिसमें जो गरीब मजदूर थे उनके लिए एक मनरेगा है, तो मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? मनरेगा के करीब करीब हमारे यहाँ पे 165-170 के करीब कार्ड बने होंगे जिनमें नियमित मजदूरी लोग जो करते हैं उनकी लगभग संख्या 90-80 के बीच में होगी। 100 उनमें लगभग उनको उनके कार्य दिवस के बराबर काम मिल जाता है और वो काम करते हैं, कच्चे रास्ते बनाना, नाली बनाना, कच्चा मिट्टी भराई का काम करना है, तालाब खुदाई करना है, मेड़बंदी का करना है, ऐसे कुछ कुछ काम चलते रहते हैं और उनमें लोगों को रोज़गार मिला हुआ। चूंकि ये मनरेगा में काफी एक देखा जाए बड़ा फर्क है मार्केट के रेट से, उसमें तो लोग मजदूरी करने के लिए कम आते हैं, कारण है उसका जब नहीं मिलती तो मजबूरी में आते हैं। 186 लगभग 200 के करीब में अगर मिलना और बाजार में 350 रुपये मिलना, दोनों बड़ा अंतर है। और ये शहरी एरिया है हमारा गांव, शहर से बिल्कुल लगी सीमा पे है, ये आखिरी गांव है नगर निगम का, इसमें आधा नगर निगम और आधा ग्राम पंचायत, तो लोग नगरी क्षेत्र में ज़्यादा चले जाते हैं, फिर भी रोज़गार लोगों को मिला हुआ। और यहाँ पर हमारे जो गाँव हैं ये पशुपालक ज़्यादा लोग हैं, हमारे यहाँ लगभग दोनों हमारी पूरी गाँव सभा में 1500 से 2000 लीटर दूध पैदा होता है जो बाजार में जाता है, हमने लगभग आंकलन कराया था पूरा, तो काफ़ी अच्छा है। लोग हर घर में आपको भैंस और गाय मिलेगी, लोग इसके लिए बड़े जागरूक हैं और बहुत मेहनतकश लोग हैं, किसानी बहुत अच्छी करते हैं लोग, तो काफ़ी संपन्नता है। और नरेगा में भी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, इस लॉकडाउन में लोगों को बहुत तकलीफ़ें हुई हैं। वहीं हमारे यहाँ पे हमने अपने गांव में बहुत सारे प्रयासों के बाद में जो विस्थापित मजदूर रह रहे थे, बहुत सारे बाहर के इंडस्ट्रियल एरिया भी हमारे बाहर लगी हुई है, हमने करीब 350 लोगों को एक महीने का राशन अपने पास से अपने निजी धन से बांटा है। और सरकार के जरिए से जो विस्थापित मजदूरों के लिए 1000 रुपए की जो राशि थी वो भी हमने लगभग 78 समथिंग लोगों के खातों में डलवाई सीधे जो बाहरी लोग थे जो यहाँ रह रहे हैं किराए पे, जिनका कोई आजीविका नहीं थी, सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो पहला एक इकलौता गांव होगा जहाँ पे कोई विस्थापित मजदूर जो यहाँ रह रहा था वो विस्थापित होकर नहीं गया, वो यहाँ अभी भी रह रहा है, उस टाइम में भी रह रहा था, लॉकडाउन में भी वो छोड़ के गाँव हमारा नहीं भागा, तो इस तरह के भी काम किए गए। प्रधान जी ग्रामीणों में जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह होते हैं जिनकी हालत बहुत जर्जर होती है, तो उसके लिए एक कायाकल्प योजना बनेगी, तो कायाकल्प योजना के अंतर्गत में अपने अपने ग्रामीण के स्कूलों में किस तरह के विकास कर रहे हैं? 3 विद्यालय हैं, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरवाखेड़ा के नाम से है और एक प्राइमरी विद्यालय दरवाखेड़ा के नाम से है और एक है मीरानपुर पिनमट विद्यालय। मीरानपुर पिनमट विद्यालय जिसमें आप खड़े हैं ये कायाकल्प योजना के तहत हम लोगों ने लिया था और
इसको हम लोगों ने कायाकल्प कराया है और इसके कायाकल्प कराने की सरकार की जो मंशा थी बिल्कुल सही है, क्योंकि नगर में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बड़े सारे सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे स्कूल देखने में लगते हैं। हमने उनसे कहीं भी कम कोशिश नहीं की है कायाकल्प में स्कूल को करने की, तो उसमें हमने एक ही गाँव एक ही विद्यालय हम अभी कर पाए हैं। अगर किसी प्रकार से भी कोई बजट मिलता है तो हमारा एक और धरवाखेड़ा का जो प्राइमरी विद्यालय है मैं उसको भी कायाकल्प योजना में करना चाहता हूँ, उसके लिए भी मैंने डाला हुआ है। बट ग्राम पंचायत नगर निगम में चली गई जिसकी वजह से बजट आना बंद हो गया है और जुलाई के बाद में कोई भी धन नहीं दिया गया। जुलाई के पहले भी लॉकडाउन रहा 3 महीने, तो उसमें भी कोई धन नहीं आया, तो लगभग 1 साल से कोई पैसा ना मिलने के कारण कायाकल्प योजना में वो काम नहीं हो पाए। अगर कोई पैसा आएगा तो वो भी विद्यालय इससे भी खूबसूरत उसको भी बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रधान जी, ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा समस्या होती है लाइट को, जैसे रोशनी को लेकर, शाम ढलती है अंधेरा छा जाता है, तो रोशनी के किस तरह के प्रबंध किए? दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा योजना जी के तहत गांव को लिया गया था और राजीव गांधी विद्युतकरण योजना में भी लिया गया था पहले जी। तो हमारे आने के बाद मैंने गांव के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, रोड है, नाली है, विद्यालय हैं, विद्युती है, इसके लिए हम शुरू से लिखा पढ़ी करते रहे और उसके तहत हमारा केंद्र से राजीव गांधी विद्युतकरण योजना में चयन हुआ। तो उसमें हमने गांव में लगभग सब जगह के खंभे करा करके और उनके अलग अलग ट्रांसफार्मर लगवा करके गांव को पूरा दीनदयाल योजना में भी गांव आ गया, तो उसकी वजह से भी एक खूबसूरत हो गया है और गांव में सब जगह पे अलग अलग लाइनें होंगी, अलग अलग ट्रांसफार्मर हो गए। आज ये स्थिति है जो 8 घंटे या 6 घंटे लाइट रहती थी, एक एक सप्ताह लाइट नहीं रहती थी, 15-15 दिन लाइट नहीं रहती थी गाँव में, आज हमें लगता है कि अगर 2 घंटे जाए शहर में तो 2 ही घंटे जाएगी हमारे गाँव में, अगर 1 घंटे जाए शहर में तो 1 ही घंटे, शहरी फीडर से हमने इसको गांव को जोड़ के रखा हुआ है और उसके लिए हम वहाँ पे SDO एक्सियन और जेई से बकायदा इसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं। लाइट थोड़ी बहुत देर के लिए जाती ज़रूर है गांव होने की वजह से, कहीं कोई काम हुआ या मेंटेनेंस हुआ, बट आ जाती है। तो गांव काफ़ी अग्रसर हैं ऊर्जा में, सरकार की जो भागीदारी है उन्होंने बहुत विद्युतीकरण कराया, उसकी वजह से बहुत अच्छा हुआ, बिजली अच्छी आ रही, तो अंधेरे के वो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि सोलर लाइट के ऊपर जो काम हो पाने चाहिए थे वो गांव में एक भी सोलर लाइट का हम व्यवस्था नहीं करा पाए हैं। उसका कारण था गांव में बहुत सारे विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, महती आवश्यकता थी, उनको हम कराते रहे। तो अगर अब कोई भी बजट कहीं से भी आएगा तो उसको भी सोलर के लिए भी हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हर कॉर्नर पर जितने भी कॉर्नर हैं हमारे उन पर सब पे एक एक सोलर लाइट लग जाए और जैसे गाँव में लाइट ना रहने पर रोशनी का एक विकल्प रहे। प्रधान जी, देखा जाता है कि ग्रामीणों में खाद वितरण को लेकर समस्याएं कहीं उत्पन्न होती हैं, किसी को राशन नहीं मिला है, किसी को बहुत दिक्कतें आ रही है कि चढ़ा है इन्होंने चढ़ा है, किसी को कुछ चढ़ा है, तो राशन को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? हमारे यहाँ पे 84 लाल कार्ड जो अंत्योदय कार्ड जिनको बोलते हैं, बहुत गरीब लोग हैं वो 84 लोग हैं, उनको सबको राशन मिल रहा है और 40 के करीब हमारे ये सामान कार्ड धारक हैं, वो उनको भी राशन मिल रहा है। एक वहीं पे हमारा देखिए नगरी क्षेत्र जुड़ा हुआ था, एक और कोटेदार हमारे हैं तिवारी कोटेदार जो नगर निगम के कोटेदार हैं, उसमें भी हमारे गांव के करीब करीब 270 कार्ड हैं जिनको राशन वहाँ मिलता है। राशन का हमारी निगरानी हमेशा राशन पे शुरुआत से रही, कोई भी कार्ड धारक को अगर राशन प्राप्त नहीं हुआ और उसकी शिकायत मेरे पास आई तो कोटेदार से सीधे संबंध बात होती है। लिहाजा अभी गांव में हमारे यहाँ ये शिकायत हमें नहीं मिल रही है कि हमें राशन नहीं दिया उन्होंने, राशन लगभग वो देते हैं, जो भी लोग जाते हैं राशन सबको प्राप्त हो रहा है। इधर तो सरकार की विशेष लॉकडाउन में स्कीम है जिसमें 15 तक राशन मिलता है, उसके बाद में वो बिल्कुल फ्री वाला राशन मिलता है, तो वो भी योजना में लोगों को प्राप्त हो रहा है, तो कोई उस तरह की दिक्कत नहीं है राशन को लेकर के लोगों को कोई भी। जैसा कि आपने लॉकडाउन की बात की तो कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के चलते आपने अपने ग्रामीण के वासियों को किस तरह के बचाव के कार्य किए कि वो इस बीमारी से दूर रहें और बचाव किया जा सके? कोरोना काल देखिए, एक तो इतना सरकार ने इतना लिटरेट किया है, हम लोगों की भी लोगों को मिल करके एक यूथ के बीच में बैठ करके चर्चा करके हम गए, हमारे यहाँ जब शुरुआत में रेड जोन बना और 6 कोरोना पेशेंट हमारे गांव सभा में प्राप्त मिले, तो उस टाइम में हमारा 21 दिन का लॉकडाउन उस एरिया में हुआ, हमारा पूरा एरिया ब्लॉक हुआ, तो हमने अपने लोगों को इस भयंकर महामारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे
सुरक्षित रह सकते हैं, उसके तरीके समझने सीखने की जरूरत थी। बाहर निकल के लोग जाते हैं तो उनको कैसे सुरक्षा करनी है, तो वो उसका पालन करते हैं और अभी तक ईश्वर की कृपा से उस केस के बाद में हमारे गाँव सभा में जहाँ पर आप हैं मीरानपुर पिंडमठ जिसके नाम से गाँव सभा है, यहाँ पर कोई भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति नहीं अभी तक हुआ है और सभी लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर और अपने बचाव के लिए जागरूक हैं और अच्छा सा खान पान और अच्छे से रहन सहन कर रहे हैं। साफ सफाई के लिए भी काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, पहले से बड़ा परिवर्तन आया, तो यही इस बचाव का तरीका है। इसमें जितना भी आप लोगों से कम मिलें जुलें, बाहर कम जाना आना रहे, मास्क ज़रूर लगाना रहे, जब मिलें भी तो दूरी रखें, सीमा रखें। ये सब तरीके हैं, लोगों को बताए गए हैं, लोगों को जानकारियाँ भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी जागरूक हैं इससे। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में वृद्धा भी होंगे, विधवा भी होंगी और विकलांग भी होंगे, तो पेंशन योजना के अंतर्गत आपने आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं? विकलांग पेंशन में करीब 5 पेंशन 6 हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, तो उन लोगों सबको पेंशन प्राप्त हो रही है और बहुत टाइम से पेंशन आ रही है उनकी। विधवा पेंशन में जो है वो करीब 12 पेंशन 13 पेंशन अभी तक स्वीकृत हैं जिन्होंने डाला था, वो उसमें उन लोगों की जो विधवा हैं और उनका वृद्धा पेंशन का उन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था, इसकी वजह से उनको वृद्धा पेंशन भी प्राप्त हो रही है। वो वृद्धा पेंशन की संख्या लगभग 94-96 के करीब हो गए, टोटल मिलाकर लगभग 130-140 पेंशनें आ रही हैं लोगों को और वो प्राप्त हो रही हैं। और जनधन खाते जो खुले हुए थे उनमें, जनधन खाते जीरो बैलेंस के, उनमें लोगों को सरकार द्वारा जो 500 रुपये दिए गए लगातार 3 महीने, तो वो पैसा लोगों के खातों में आया, वो भी संख्या लगभग लगभग 200 के ऊपर है वो, और वो प्राप्त हुए लोगों को। प्रधान जी, जल्द ही आपका कार्यकाल समाप्त होने को, आगे आपने क्या सोच रखा, कैसी आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, हम गांव में चूँकि 15 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा तो एक 35 साल का लगभग कार्यकाल ही जीवन ही गुजर गया है और छोटे से बालपन से अब बुजुर्ग पहुँच चुके हैं, तो मेरा तो जीवन गांव के लिए समर्पित है। अब प्रधान एक पद होता है, वो एक प्रमाण पत्र होता है, उससे रहते हैं, लेकिन हम प्रधान नहीं रहने पर भी गाँव में ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, हम गाँव के लोगों के बीच बराबर रहेंगे, कार्यकाल का कहीं कोई स्थान नहीं है, वो एक प्रमाण पत्र सरकार की नज़र में होता होगा, मेरी नज़र में वो कोई मतलब नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता है। अब नगर निगम में जा रहा है, नगरीय क्षेत्र में क्या संभावनाएं होंगी, राजनीति में क्या स्थान हमारा वहाँ पे होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम गाँव में जो हमारे गाँव में जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, इस गाँव को हम अपने अंतिम सांसों तक उसी तरह से रखेंगे जैसे हम आज तक रखे हुए हैं, क्योंकि गाँव से हमारा जन्म से जुड़ाव है, गाँव में पैदा हुआ था, तो इसलिए गाँव में ही रह रहा हूँ और गाँव ही अच्छा लगता है मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। हमें आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आज का हमारा एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारा यह प्रयास है कि हमारे इस कार्यक्रम पंच परमेश्वर के माध्यम से आप सभी अपने गांव के विकास को देखें, जहां नहीं हुआ है वहां की बुराइयों को बताएं। हम आपके ग्राम सभा में आएंगे और वहां की पूरी रिपोर्ट, अच्छाइयां और बुराइयां आपके सामने रखेंगे। निर्णय आपको करना है कि कौन सा ग्राम सभा अच्छा है, कहाँ विकास हुआ है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा में हमारी टीम पहुंचे और वहां की रिपोर्ट दिखाए, तो नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आगे आज के लिए वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम आप सभी से लेंगे इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह। जय हिंद। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो, अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।